फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशानी व्लॉग्स। सुबह के बज रहे हैं 8 और आज हम लोग जा रहे हैं मेरे गांव, जो मेरे गांव का ससुराल है वहां हम लोग जा रहे हैं और हम लोग पहुंचने वाले हैं। हम लोग अभी रास्ते में हैं। यहां जो हम जहां रहते हैं वहां से 2-3 घंटे का सफ़र है, 2-3 घंटे दूर है। जो मेरे सास ससुर हैं वो लोग आज भंडारा करवा रहे हैं। हम लोग गाँव में एंटर कर दिए हैं। जो हमारे सास ससुर हैं उन लोगों ने चारधाम की यात्रा करी थी, तो जब चारधाम की यात्रा आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जैसे भोज कराना हो तो आप भोज कराते हैं, कुछ लोग रामायण पढ़वाते हैं, तो वही हमारे सास ससुर ने भोज करवाया है। गांव के कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों का आज खाना है। हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। हम लोग काफ़ी देर हो गई थी, वैसे हम लोगों को जल्दी आना था पर हम लोग बहुत लेट हो गया। मेरे जो सास ससुर हैं वो पहले ही पहुँच गए थे गाँव में, थोड़ी व्यवस्था कराई थी उन लोगों ने, पूजा वगैरह पाठ ये सब की व्यवस्था, खाना पीना, वो लोग पहले पहुँच गए थे। और जो बाकी जो भाई वगैरह हैं वो भी पहले पहुँच गए थे। हम लोगों को थोड़ा आज लेट हो गया था आने में और अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं, गाँव के सब लोग हैं। यहाँ पे अभी हवन हो रहा है, हवन में मेरे सास ससुर जी बैठे हैं। और यहाँ पे हमारे जो परिवार की जो लेडीज़ हैं वो बहुएँ हैं, वो सब डांस करें। कहा जाता है कि जैसे ऐसे जब ये कोई भजन कीर्तन में ना करना चाहिए तो अच्छा होता है, ऐसे डांस वगैरह करना चाहिए भजन पे, कीर्तन जब चलता है इसमें करना चाहिए, थोड़ा नाच लेना चाहिए। Yeah.
बाल टिका दो करा देंगे पानी Thank you.